नाम दबा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरे मनों के बहुत ही ज्यादा राजनीति के माहिर मेरे बड़े भाई आदरणीय महोदय शर्मा जी एक बार और बता दूंगे हम दोनों छोटे बड़े भैया आपने सामने बैठ के डायरेक्टर का जवाब भी लड़े और हमेशा बहुत अच्छा प्यार आपस में रहा। 10 तारीख 2-3 दिन और बाकी हैं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर पैर छूटे, आप एक एक वोट निकाल करके कोई वोट रह नहीं जाए कमल के निशान का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं तो आपका पुराना रिश्ता है, लोगों को रहा यहाँ से निर्दलीय विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद रहा, मंत्री रहा, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं एक बार जरूर कहूंगा मेरे इस राजनीतिक जीवन में किसी भाई के भावना को ठेस पहुंचे हो तो मैं आपसे पैर पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहूंगा। मगर इस चुनाव को अपना समझते हुए अपने सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए और अपने विकास के लिए जिस सम्मान और के साथ आप लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और आपकी वजह से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद जितना भारत का नाम देश और विदेशों में रोशन करने का काम किया वो सब पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। ये कहना चाहूंगा इस मौके पर तमाम योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने आप लोगों के बीच में जनता के बीच में भेजने का काम चलाने का काम किया, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो। कहना चाहता हूं इस मौके पर आज तक गठबंधन के प्रत्याशी और गठबंधन के नेता चौधरी अजीत सिंह के फादर पिताजी उस समय पर भारत सरकार में मंत्री थे जब मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ था और उसका बंदी तो देखते सपने में नहीं है अखिलेश की सरकार बनी जाएगी तो किसका बहुमत होगा, कौन सी बिरादरी का गुंडा राज होगा, कौन सी बिरादरी के लोग अत्याचार करेंगे बहन बेटी के तौर पर। आप लोग समझ रहे मुसलमान लोगों की तरह दिमाग खराब हो जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से आप लोग एक एक लोग प्रदेश की शांति के लिए, प्रदेश की बहाली के लिए और आदरणीय योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए आप लोगों को यहाँ से कदम उठा के जाना होगा। एक एक वोट कमल के निशान पर बटन दबा करके दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। जितने बार माफिया थे चाहे वो अतीक अहमद हो जाए, मुख्तार अंसारी हो जाए, कोई भी हो, चौधरी को साम्राज्य खत्म करने का काम, गुंडागर्दी जी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री आपके द्वारा बनाए हुए। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आदरणीय सीमा जी हमारे बीच में है, अभी एक मीटिंग फतेहपति की हुई है, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से पूर्व सांसद और हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और आश्वासन भी देना चाहूंगा कि मुझे भी 10 तारीख के बाद सादाबाद क्षेत्र में जाए, कुछ भी हो जाए, रातों दिन लगने का काम भी आवाज नहीं करेगा। जिस तरीका का वहां माहौल बना रखा है लोगों ने, नल 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 अरे क्या है, काम वाली गठबंधन तो बिल्कुल खत्म हो गया। गठबंधन में
उस लोग जो हम का हल्ला मचाते हैं, पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो भी विकास कार्य हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा किसने किया मुझे बता दो, जनता भी बताऊंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, उसके बाद सांसद दूंगा, उसके बाद तो किसी आदमी नहीं आए। जो भी है मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ज्यादा मैं कहना भी नहीं जाना चाहता, अपनी सांसद जी से कार्य का सम्मान करते हुए, अपनी बात समाप्त करते हुए, ये भूल मत जाना फिर सब बहुत से लोगों ने कहा होगा। एक बात अभी मुझे ध्यान आगे मंच पर मेरे एक भाई ने कहा, कैसे बाबूलाल ब्राह्मण को गाली देता है, आप लोग ईमानदारी के साथ बता दो दोनों रुपए मिल रहे, एक आदमी जमा बता दो। मैंने किसी से कहा हो हमारे राज्य से मित्र होते ना मित्र, उनकी जा भगा हुआ करती है, बाबूलाल को कैसे ही बदनाम किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ उदाहरण है अनुभव खास के लोग ब्राह्मण होने लगे तो काफी तरह ब्राह्मण है। अरुणा खास में क्या हुआ था पता बता था ईमानदारी के साथ, अरुणा खास में आपका साथ किसने दिया था, आपके सम्मान किसने बचाया था, आपकी इज्जत किसने बचाई थी, उसका नाम था बाबूलाल। कभी चिंता नहीं की जिस किसी का भटे में पाँव दिया है उसका नाम है बाबूलाल। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, आटवालों के ऊपर हमारा रिश्तेदार यहाँ ब्राह्मण बैठे हो उनसे पूछ लेना, वहां गया मैं और उनकी सम्मान के लिए उनकी रक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम किया था भावना ने किया। अपनी बात समाप्त करते हुए आगे भक्त जी की जाना है, हमारे सांसद जी बोलेंगे आशीष वचन देंगे, जय हिंद जय भारत राम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।